समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंगल व महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी का जिला कार्यालय पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। जनपद के कोने कोने से एवं महानगर के गले कूचों से जिला कार्यालय पर पहुंचा सपाइयों का जन सैलाब समाजवादी पार्टी की बदलती हुई तस्वीर को दर्शा रहा था। हजारों कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष के नारे लगाकर उत्साहवर्धन किया। अपने हृदय सम्राट अखिलेश यादव को पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपने तथा 2019 में भाजपा को केंद्र से बेदखल करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम, विधायक असमोली पिंकी यादव, पूर्व विधायक शौकत अली, पूर्व विधायक अनिसुर रहमान सैफी, पूर्व मेयर डॉक्टर एसटी हसन, नवीन आहूजा, हाजी उस्मान बाबर खां पूर्व प्रदेश सचिव, आदित्य गुप्ता, आरसी अग्रवाल, जहान उलहक, हाजी उस्मान अंसारी, नीरज मित्तल, गुरवीर सिंह वेदी, आरिफ अब्बासी, आस्कार पाशा, पंकज चौधरी, संजीव चौधरी, फहीम पाशा, राशिद अलवी, मनोज यादव आदि संचालन संयुक्त रूप से हाजी ताले अंसारी व जो अभी पाठशा जी का इलेक्शन में जो चुनाव हुआ है तो मेरी लगातार लोगों से बात चल रही है, मेरे घर पर भी आए हैं, तो सभी लोग जो दूसरी पार्टियों से भी चुनाव लड़े हैं वो सारे लोग समाजवादी में आने को तैयार है और आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा मैसेज सामने जाने को तैयार है। तो इंशाल्लाह आने वाला टाइम आपका है, समाजवादी का है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और मैं अपनी तरफ से और पूरी समाजवादी पार्टी की जानिब से आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष राजीव सिंगल जी को बधाई देता हूँ कि वो बहुत ही शानदार और शानदार हमारे जिला अध्यक्ष साबित होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ताकत के साथ हम उनके साथ हैं और पूरा संगठन आपके साथ है और मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बस आपसे बात खत्म करता हूँ एक शेर के साथ जो अक्सर मैं सुनाया करता हूँ कि चलन जो वफा का इख्तियार करते हैं, चलन जो वफा का इख्तियार करते हैं, फरिश्ते भी उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं के मजारों पर चलते हैं जो दूसरों पर जाने का करते हैं। साहब आपके पास क्या पद है इस पार्टी के अंदर? अभी तक तो मैं कार्यकर्ता हूँ, पहले मैं समाजवादी में फलतरी साहब जिला अध्यक्ष और दिशा सचिव था, पार्षद रहा मैं फिलहाल एक कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने हूँ। इसका तोहफा है माननीय राजीव सिंगल जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं और मन्नू कुरैशी हमारे छोटा भाई है और एक बेहतरीन तोहफा दिया अखिलेश यादव जी जिन्हें मेरे मित्र दिए, मैं दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और नव वर्ष की बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ कामना करता हूँ कि दोनों अध्यक्ष आपस में तालमेल करके महानगर और जिले की समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो लोग नाराज हैं उनको एक ला करके साथ में ला करके किसी तरह का मनमुटाव नहीं करेंगे। इस दो जुमलों के साथ एक कल की बात छोड़िए, कल का क्या भरोसा कुछ नहीं, इस बात से आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करके समाजवादी को मजबूत करिए, एक नया परचम लड़ाइए, आने वाला कल समाजवादी का है, एक एक कार्यकर्ता को एक एक नेता को कल समाजवादी के हाथों को मजबूत करना है और माननीय अखिलेश यादव को मजबूत करना है, आने वाले वक्त में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यही मेरी काम। निशान शमशी साहब, अब आपका क्या रोल है समाजवादी में? समाजवादी का अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, कमेटी बनेगी अभी 20-25 दिन के अंदर कमेटी बनेगी, इसमें डिसाइड होगा किसको किस पद पर बिठाया जाए। इस बदलाव से आप क्या महसूस कर रहे हैं? बदलाव से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पार्टी ने जो है ना बहुत अच्छा फैसला लिया है, पार्टी को फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। अब पार्टी में जो लोग हैं युवा लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं और युवा जुड़े हुए हैं युवा लोगों के साथ, बहुत बढ़िया काम होगा पार्टी में और इंशाल्लाह ने चाहा आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी नंबर वन पे पार्टी होगी। मुरादाबाद शहर के हमें जो जिला अध्यक्ष बनाया गया है राजीव सिंगल जी को, उसको देखते हुए शहर के अंदर कैसे खुशी की लहर है बताएं आप? राजीव सिंगल जी हैं बहुत बढ़िया आदमी हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं, राजनीति को जो है बिजनेस की तरह चलाएंगे, वो बहुत बढ़िया चलाएंगे, ऐसे आदमियों की जरूरत थी राजनीति में,
लोग मुरादाबाद की जनता इतनी फुले है। आज हमारा ये रैली भी थी और ये स्वागत भी था, आज इतनी पब्लिक आई है मैंने आज तक इतनी पब्लिक नहीं देखी समाजवादी के उसमें। इतना ही में कुछ लोग नाराज हैं, उन्हें मनाने की बातचीत चल रही है, उनके फोन पर ही बातचीत हो रही है। देखो आज नहीं तो कल आ जाएंगे पार्टी में, थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही है। पाशा जी हाजी ग्राम जी की नाराजगी चल रही है। जी 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 थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही है, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन उन लोगों का ज्यादा लोग नहीं है आपके समाजवादी के, ज्यादा लोग इन लोग आप लोगों के साथ है, इन लोगों के साथ है, तो क्या बहुत लोग नाराज थे समाजवादी से उन लोगों के रहने से? ऐसा कुछ नहीं है, लोग उनके साथ भी बहुत है, हमारे साथ भी लोग है, वो आ नहीं पाए, कोई मजबूरी होती है इंसान की, उनके साथ भी कोई मजबूरी होगी आने सके, लेकिन पार्टी का आदमी है वो पार्टी को दिल जान से ही चाहते हैं वो भी। मैं यही कहना चाहूंगा मुरादाबाद वासियों से कि समाजवादी को लड़ाएं, समाजवादी पार्टी जो है ना विकास करती है, काम करती है, काम करती है, काम देखने चाहिए। बीजेपी की सरकार आई है मुरादाबाद के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, नाली भरी भी है, सड़कों पर पानी भरा है, सड़कें टूटी हुई है, खंभों की लाइटें भूखी हुई है, कोई भी ध्यान नहीं है मुरादाबाद के विकास पर। समाजवादी की सरकार थी, हर सड़क पड़ती थी, मिनट से पहले सुनवाई होती थी, अब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही किसी की भी, नगर निगम में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा आपको क्या लगता है 2019 का समाजवादी पार्टी 19 के चुनाव में एमपी की सीट समाजवादी की पार्टी की आएगी? समाजवादी पार्टी मेहनत कर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मेहनत रख लाएगी समाजवादी पार्टी की।